भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में एक और विकेट यहां पर श्रीलंकाई टीम का गिर गया है। श्रीलंकाई टीम के ऑलराउंडर और युवा बल्लेबाज दुनित विलालगे का विकेट यहां पर हार्दिक पांड्या ने निकाला है। शॉर्ट बॉल दुनित विलालगे को हार्दिक पांड्या ने फेंकी और 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर विलालगे कैच दे बैठे विकेट कीपर केएल राहुल को, जिनकी वजह से यहां पर फिलहाल श्रीलंका का स्कोर 40-8 है। अब ये देखना होगा कि भारत कितना जल्द से जल्द श्रीलंकाई टीम को ऑल आउट करती है। शुरुआत में जसप्रीत बुमराह का कहर, फिर सिराज की आग उगलती गेंदें और अब हार्दिक पांड्या का तांडव। कुल मिलाकर भारतीय टीम ने पूरे तरीके से श्रीलंकाई टीम को उनके घुटनों पर ला दिया है। उन्हीं की सरजमी पर भारत ये फाइनल मुकाबला खेल रही है। कोशिश है भारत की कि 5 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया जाए, एक बार फिर एशिया कप की ट्रॉफी अपने घर लाई जाए और अब ये देखना होगा कि भारत किस तरीके से प्रदर्शन करता है, क्योंकि यहां पर 40 रन पर 8 विकेट गिर जाना, ज्यादा से ज्यादा शायद भारत की कोशिश यही होगी कि 50 रन के अंदर श्रीलंका को ऑल आउट किया जाए। जिस तरीके का बैटिंग लाइनअप है भारत का, इन फॉर्म, उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला एक नॉर्मल सा स्कोर। श्रीलंकाई कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और अब ऐसा लगता है कि उनका फैसला पूरे तरीके से गलत साबित हो रहा है, क्योंकि श्रीलंकाई टीम अब खासे दबाव में नजर आ रही है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।